कराची समेत सिंध भर में आज से सीएनजी स्टेशन ढाई माह के लिए बंद कर दिए गए। सुई सदन गैस कंपनी के मुताबिक सिंध में यकम दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे। जनरल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किल का सामना। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में। मुल्तान खानेवाल मोटरवे और लाहौर से शेखुपुरा तक मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। गाड़ियों का दरमियानी फासला ज्यादा रखने की हिदायत। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को न मिल सका। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 145.82 रुपये और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 142.62 रुपये बरकरार। एलपीजी की कीमत में फी किलो 14.31 रुपये कमी का ऐलान। उकाड़ा, दीपालपुर, शेरगढ़ और गिरदोनवाह में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद की अदम दस्तियाबी पर किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना। गंदम की फसल के शदीद मुतासर होने का खदशा। टैक्स महसूलात जमा करने में वाजह इजाफे पर वजीर आजम इमरान खान की एफबीआर की टीम को मुबारकबाद। अपने ट्वीट में लिखा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नवंबर में 35% जायद महसूलात इकट्ठे हुए। 5 माह में टैक्स महसूलात 37% बढ़ी। कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 9 अफराद की जिंदगियां निगल गया। अमवात की मजमूई तादाद 28,737 हो गई। मुल्क भर में 414 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,381 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.97% रही। अस्पतालों में 896 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। कराची में कातिलाना हमले में सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी जां बहक। 40 साल इरफान की गाड़ी पर गुलिस्तान जौहर में फायरिंग। पुलिस का कहना था वकील बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। बार एसोसिएशन का अदालतों का बायकॉट। और चनियोट में अफसोसनाक हादसा, डंपर की टक्कर से भाई बहन जां बहक। इस्लामिया ग्राउंड के करीब वाकया। जांबहक बहन की शनाख्त मरियम और भाई की तैमूर के नाम से हुई है।